हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है और आप सभी को नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं। और नए साल में मैं बनाने वाली हूँ डच केक, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके लिए मैंने वैनिला स्पॉन्ज, एक लेस वैनिला स्पॉन्ज बना लिया है और इसको हम अभी तीन लेयर्स में कट करेंगे। तो आपको क्या करना है, साइड से एक चाकू की मदद से सिंपल एक कट मार्क लगाना है। कट नहीं करना है, सिंपल मार्क ही लगाना है, थोड़ा थोड़ा करके मार्क लगाना है। जितनी मोटी लेयर आपको चाहिए उसी हिसाब से आपको कट्स लगाना है। अगर आप चाकू की मदद से अच्छे से स्लाइसेस काट पा रहे हैं तो आपको ये ट्रिक फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली ही स्लाइसेस काट लीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो आपको ये ट्रिक अप्लाई करना है, साइड से थोड़ा सा कट्स मार्क लगा दीजिए और वही कट मार्क के ऊपर एक धागा लेके ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच लीजिए और आपका केक स्लाइस अच्छे से बनके रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक गलती कर लिया जो आपको नहीं करना है, केक को अच्छे से ठंडा होने देने के बाद आपको स्लाइसेस में कट करना है। मैंने गरम केक को ही स्लाइस में कट लिया तो मेरे यहाँ पे केक से बहुत सारे क्रम्स निकल गए। तो आपको केक को अच्छे से ठंडा होने देना है और फिर स्लाइसेस में काटना है। तो वहाँ पे हमारे केक के स्लाइसेस कट होके रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक बर्तन पे 1/4 कप व्हिप्ड क्रीम और यहाँ पे हम बनाने वाले हैं चॉकलेट गनाज, जिसके लिए हमें चाहिए डार्क चॉकलेट। यहाँ पे मैंने अमूल डार्क चॉकलेट दो पीसेस लिए हुए हैं, सॉरी पीसेस नहीं, दो पैकेट्स। मैंने 20 रुपये वाला जो डार्क चॉकलेट आता है अमूल का, उसका दो पैकेट्स लिया हुआ है और इसको आपको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ये व्हिप्ड क्रीम में डालना है। और इससे पहले भी मैं इस चैनल पे चॉकलेट गनाज की रेसिपी दे चुकी हूँ अलग तरीके से, उसका लिंक दे दूंगी आई बटन पे, आप जाके वहां से चेक कर लीजिएगा। आपको जो वाला इजी लगे, कन्वीनियंट लगे, आप वो वाला चॉकलेट गनाज की रेसिपी फॉलो कर लीजिएगा। तो यहाँ पे डबल बॉयलर के मेथड पे हम बनाने वाले हैं चॉकलेट गनाज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चॉकलेट गनाज हमारा रेडी हो चुका है। इसको हम अभी ठंडा होने देना है, रूम टेम्परेचर में लाना है, फ्रीज में नहीं रखना है, बाहर ही रखिए और रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए। तो गनाज को हम रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे 1/2 कप क्रीम मैं ले रही हूँ व्हिप करने के लिए। यहाँ पे मैंने व्हिप्ड क्रीम का इस्तेमाल किया हुआ है और जिस बर्तन में आपको व्हिप करना है ना, आप वही बर्तन को 2 से 3 घंटा के लिए फ्रीजर में रख दीजिए और व्हिप करने से पहले इसको निकाल के उसी बर्तन में चिल्ड व्हिप क्रीम आपको डालना है। व्हिप क्रीम चिल्ड होना चाहिए लेकिन आइस क्रिस्टल्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको अच्छे से इसे लिक्विड फॉर्म में लाना है और फिर व्हिप करना है। और गर्मी के मौसम में अगर कर रहे हैं तो आपको बिटर के जो स्टैंड है ना, उसे भी आपको रखना है फ्रीजर में। लेकिन जैसे कि मैं यहाँ पे सर्दी के मौसम पे बना रही हूँ तो वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा है तो मुझे इतना सारी चीज़ें ठंडा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आप अगर गर्मी के मौसम पे बना रहे हैं तो आपको स्टैंड को, बर्तन को, दोनों को रखना है फ्रीजर में। और जिस बर्तन में आप बना रहे हैं, मैं इस तरह ही बिट कर रही हूँ, लेकिन आप अगर गर्मी के मौसम पे कर रहे हैं ना, इसके नीचे आपको और एक बर्तन रखना है और जिसमें बहुत सारे आइस क्यूब्स रखना है और उसके ऊपर ये वाले व्हिप क्रीम वाले बर्तन रख के आपको क्रीम को व्हिप करना है। इसी तरह करेंगे तो आपकी क्रीम बहुत अच्छी तरह से व्हिप हो पाएगी। लेकिन ठंडी के मौसम में इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, वो आसानी से व्हिप हो जाती है। और टोटल व्हिप होने के लिए मिनिमम आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। बहुत अच्छी तरह से स्टिफ पिक आने तक आपको व्हिप करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और क्रीम, आप जितने क्रीम लिए होंगे ना, उसका 3 गुना आपका क्रीम बन जाएगी। तो उसी हिसाब से आपके केक के साइज के हिसाब से आपको क्रीम लेना है। और यहाँ पे क्रीम को अच्छे से व्हिप करने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा चॉकलेट गनाज। और चॉकलेट गनाज रूम टेम्परेचर का ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा ये चीज़ें, रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। और चॉकलेट गनाज डालने के बाद मैं इस तरह अच्छे से इसे और थोड़ी देर बीट कर लूँगी। और इसका कलर देखिए, चारों तरफ अच्छे से आपको बीटर को घुमा घुमा के इसे बीट करना है और मिक्स करना है। कहीं पे भी सफ़ेद व्हिप्ड क्रीम रहना नहीं चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा जो स्टिक पिक बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने स्टैंड निकाल लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे केक के लेयर बहुत ही सॉफ्ट और केक के अंदर देखिए कितना जालीदार है। और ये वाली एगलेस स्पॉन्ज केक की रेसिपी मैं ऑलरेडी इस चैनल पर दे चुकी हूँ इसके पिछले वाले वीडियो में, उसका लिंक भी मैं दे दूँगी आई बटन पर, आप जाके वहाँ से चेक
चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया है पाइपिंग बैग और उसमें हम डालेंगे व्हिप्ड क्रीम। और ये जो पाइपिंग बैग आप देख रहे हैं ना, उसमें नोजल भी लगा हुआ है, ये सारी चीजें। और यहाँ पे जो टर्निंग टेबल है, जो नाइफ है और जो स्क्रैपर है, वो सारी चीजें मैंने कॉम्बो में मीशो से मंगवाया है। और मीशो का जो लिंक है मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप साइन अप करते टाइम मेरा रेफर कोड डालेंगे तो आपको फर्स्ट ऑर्डर पे 30-40% तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी से जाके ऑर्डर कर लीजिए वहां से। और यहाँ पे मैंने बेस पे थोड़ा सा क्रीम लगा के एक लेयर रख दिया है केक का, और ऊपर से ब्रश कर रही हूँ शुगर सिरप से। ये शुगर सिरप सिंपल चीनी और पानी को घोल के मैंने बनाया हुआ है। आपको घोल के बना लेना है और इस तरह एक लेयर डालने के बाद उसके ऊपर ब्रश कर लेना है। शुगर सिरप डाल के अच्छे से मॉइस्ट कर लेंगे और फिर हम डालेंगे क्रीम। आपको जितनी क्वांटिटी की क्रीम यहाँ पे चाहिए क्रीम डाल लीजिएगा और नाइफ के मदद से इसे अच्छे से फ्लैट कर लीजिएगा। इवनली आपको फ्लैट करना है। और शुरू के टाइम पे ना थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन करेंगे तो आपकी भी हैंड फ्री हो जाएगी। मेरे भी पहले पहले हो रहा था, फर्स्ट केक जब मैंने बनाया तो भी मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, और धीरे धीरे करके मेरे भी इतना हैंड फ्री नहीं हुआ है, लेकिन मैं कर पा रही हूँ। आपको भी इसी तरह नाइफ के मदद से अच्छे से क्रीम को स्प्रेड कर लेना है, और मोटा क्रीम स्प्रेड करिएगा, थोड़ा सा मोटा लेयर देने की कोशिश करिएगा। और यहाँ पे क्रीम को अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लेने के बाद मैंने ऊपर से और एक केक की लेयर डाल दिया है, और इसे भी अच्छे से मॉइस्ट करेंगे शुगर सिरप के साथ। अभी आपको वही सारे स्टेप्स रिपीट करते रहना है, वही क्रीम लगाना है, अच्छे से स्प्रेड करना है और मोटा लेयर देना है क्रीम का, अच्छे से ऊपर से भी और साइड से भी। एक टाइम पे आपको दोनों चीजें करना है, ऊपर से भी लेयर देना है क्रीम का और साइड से भी थोड़ा बहुत कर लेना है, तो आपको ना आसानी हो जाती है बाद में करने की। और यहाँ पे देखिए आप कि मैंने साइड से भी लेयर दे दिया है और ऊपर मैंने और एक लेयर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसे अच्छे से प्रेस करके चिपका दीजिए और फिर से शुगर सिरप डाल के इसे मॉइस्ट कर लीजिए। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स बताऊंगी किस तरह आप इसे साइड से और ऊपर से भी इवनली फ्लैट कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक लिया हुआ है। जो टैग आता है ना ड्रेस में लगा हुआ, वही टैग भी ले लीजिए। उसे अच्छे से आपको ऊपर से और साइड से हल्के हाथों से घुमाना है, जिससे आपकी केक ऊपर से भी और साइड से भी इवनली स्प्रेड हो जाएगी और पूरा क्लीन दिखेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा केक बन के रेडी हो चुका है। तो अभी आपको क्या करना है, एक टिश्यू पेपर लेना है और साइड से जो एक्स्ट्रा क्रीम लगे हुए हैं जो बेस पे, आपको वो अच्छे से पोंछ के साफ कर लेना है इसके नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से साफ कर लिया है चारों तरफ से, और यहाँ पे मैं पाइपिंग बैग में स्टार नोजल डाल के नीचे की तरफ से छोटे छोटे डिजाइंस बना रही हूँ। और इस केक में मैं जितनी भी डिजाइंस बनाने वाली हूँ वो इसी स्टार नोजल से बनाऊंगी। तो आपको इस तरह मैं जैसे कि छोटे छोटे वेव की तरह नीचे की तरफ बना रही हूँ केक के, आपको उसी तरह धीरे धीरे करके बना लेना है। यहाँ पे मैं जितनी भी डिजाइंस बताऊंगी और जो सारे स्टेप्स बताऊंगी वो बहुत सारे ईजी होने वाले हैं, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ, जो मुझे जी लगता है मैं वो करती हूँ। और यहाँ पे नीचे के डिजाइन कर लेने के बाद मैं यहाँ पे साइड से स्क्रैप कर ली हूँ, थोड़ा सा जिगजैग वाला पैटर्न देने के लिए। लेकिन ये वाला स्टेप आपको पहले करना है और नीचे की तरफ डिजाइन आपको बाद में देना है, मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड से ये बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ पे जो चॉकलेट गनाच हमने बचा के रखा हुआ था, इसको हम एक बैग में डालेंगे। और ये सिंपल जो पॉलीथिन आता है ना, हमारे दूध वाले भैया इस पॉलीथिन में दूध देते हैं, उसको साफ करके मैंने यहाँ पे ले लिया है। और इस में थोड़ा सा हम चॉकलेट गनाच ले लेंगे, पोर कर लेंगे। और आपको यहाँ पे थोड़ा सा ही चॉकलेट गनाच लेना है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ज्यादा डिजाइन नहीं बनाने वाले हैं, थोड़ा सा ड्रिपिंग स्टेप देने वाले हैं, चॉकलेट ड्रिपिंग करने वाले हैं साइड से। और इसके लिए ना आप ये वाले पॉलीथिन हो या फिर नमक वाले पॉलीथिन हो, कोई भी पॉलीथिन से ये बना सकते हैं। और जिस तरह मैं यहाँ पे कर रही हूँ ना, आपको साइड से ये देते जाना है और थोड़ी थोड़ी ड्रिप करते रहना है साइड से। और ये वाले जो चॉकलेट गनाच मेरा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है वेदर, तो इसीलिए थोड़ा सा गाढ़ा हो गया और मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था इसको और थोड़ा सा मेल्ट कराने के लिए। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है और धीरे धीरे करके ये ड्रिपिंग स्टेप देना है, चॉकलेट ड्रिपिंग देख सकते हैं आप साइड से। और इस तरह ना आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन केक रेडी हो जाने के बाद आप देखना ना, ये बहुत ही सुंदर दिखता है। और यहाँ पे चॉकलेट ड्रिप कर लेने के बाद मैं यहाँ पे साइड से वही स्टार नोजल से छोटे छोटे फ्लावर्स बना रही हूँ। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ही मैं ये छोटे छोटे फूल्स बना दे रही हूँ यहाँ पे। और जो चॉकलेट गनाच
हमने बना के रखा हुआ था इसे पोर कर देंगे हम बीच में। सेंटर पे आपको पोर करना है और एक स्पून की मदद से इसे अच्छे से फैला देना है चारों तरफ। ध्यान रखिएगा फ्लावर के ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए और नीचे की तरफ आपको अच्छे से ये चारों तरफ से स्प्रेड कर लेना है। अगर आप पहले ये वाला स्टेप कर लेते ना तो उसके ऊपर आप फ्लावर्स नहीं बना पाते, तो आपको फ्लावर्स बनाना है और फिर ये वाला स्टेप फॉलो करना है। और साइड से जो बच गया ना उसे हम पाइपिंग बैग से अच्छे से साइड से भी कवर कर लेंगे। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने चॉकलेट गनाश से इसे अच्छे से कवर अप कर लिया है और इसके ऊपर मैं सेंटर पे लिखने वाली हूँ हैप्पी न्यू ईयर। और आप देख सकते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पे राउंड वाला नोजल, स्मॉल नोजल लिया हुआ है और चॉकलेट गनाश के ऊपर लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि पहले फ्लावर्स बना लीजिए और फिर उसके ऊपर आप चॉकलेट गनाश पोर कीजिए। और यहाँ पे आप सेंटर पे अगर कुछ लिखना नहीं चाहते हैं तो आप ना जो स्प्रिंकल्स आता है वो स्प्रिंकल कर सकते हैं। जेम्स चॉकलेट है अगर आपके पास तो वो भी आप डाल के इसे सजा सकते हैं, आपकी मर्जी आप किस तरह सजाना चाहते हैं। तो इसे मैंने क्या किया है यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर लिख दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ना मैं इसके बाद ना जो फ्लावर्स बने हुए हैं उसके ऊपर जो चोको चिप्स आते हैं उससे सजाया था, उसका वीडियो थोड़ा सा मिस हो गया है। और अभी आपका बन के रेडी हो गया है होममेड डच केक, वो भी एक लेस वैनिला स्पॉन्ज से। तो अगर आपको आज की ये डच केक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, बहुत ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। और रात के 12 बजे हम यहाँ पे मना रहे हैं न्यू ईयर और आपको भी विश यू ए हैप्पी हेल्दी न्यू ईयर।